नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉट प्रतिस्पर्धा में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 15,000 रुपये का टूल किट जो आप लोग अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, हम भी अगर प्रयास कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो मैंने गोल सर्कल से जो घेर रखा है, चूज़ फ्री RS 15,000 टूल किट ई वाउचर, ये ग्रे कलर का दिख रहा है। और राइट साइड में जो मैंने एरो दिखा रखा है आप लोग को, वहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो ब्लूइश टाइप से है, ब्लू कलर में है। तो राइट साइड वाला जो ऑप्शन है, इसमें अगर हम क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आ रहा है ग्रे कलर का, इसमें अगर हम क्लिक करके अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो ये बटन काम नहीं करेगा। तो इसी तरह का प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा होगा कि जब आप टूलकिट अप्लाई करने के लिए OTP डालकर PM विश्वकर्मा पोर्टल में लॉगिन करते होंगे तो आपको ऊपर ग्रे कलर का दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है, इसे ब्लॉक कर दिया गया है। और राइट साइड में जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं एरो वाला, इसमें अगर हम क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो इस तरह देखिए, इस तरह से जो है सेलेक्ट करने का मशीन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और सेलेक्ट ऑप्शन करके हम इसे चूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का, जो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिन्होंने किसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ले लिया है, उन्हीं लोगों को अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि टूलकिट उनका अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो PM विश्वकर्मा का पोर्टल बना हुआ है, तो अभी मैंने क्या किया कि दो एक्सपेरिमेंट मैंने आज किया है, इसलिए मैं आप लोग को ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। कि आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि पहले मैंने एक ऐसे व्यक्ति का PM विश्वकर्मा में लॉगिन करके देखा जिन्होंने अभी ट्रेनिंग नहीं लिया है, जो न्यू कैंडिडेट है उनका मैंने लॉगिन करके देखा। तो उनका जब मैंने लॉगिन किया तो उसमें जो है टूलकिट अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, तीनों उसका ब्लू कलर से आ रहा है, मतलब उसका अगर हम अप्लाई करें तो अप्लाई हो जाएगा। और एक कैंडिडेट का मैंने अप्लाई किया, लॉगिन किया, जिनका जो है हमारे ट्रेनिंग सेंटर से, उन्हें मैंने ट्रेनिंग पहले दे दिया है, उन्होंने ट्रेनिंग लिया है हमारे सेंटर से, सर्टिफिकेट भी उन्हें मिल चुका है PM विश्वकर्मा का। उनका मैंने जब टूलकिट अप्लाई करने के लिए लॉगिन किया तो उसमें जो गोल घेरा मैंने घेर रखा है, इधर देख लीजिएगा, तो उस तरह उसमें जो है टूलकिट अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, वहाँ पर ग्रे कलर का आ रहा है। तो इससे साफ समझ में आ गया कि जिन्होंने ट्रेनिंग पीरियड से पहले अगर टूलकिट के लिए अप्लाई कर दिया है तो उनका टूलकिट अप्लाई हो गया है, जिन्होंने ट्रेनिंग पीरियड से पहले टूलकिट के लिए अप्लाई नहीं किया है उनको सर्टिफिकेट मिल गया है, सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो टूलकिट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका ऑप्शन बंद हो चुका है। तो ये समस्या जो है आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि स्टेट लेवल का जो टीम है PM विश्वकर्मा का, क्योंकि हम लोग खुद ट्रेनिंग चलाते हैं दुमका में, तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम जो है स्टेट को बताया है कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दिया है PM विश्वकर्मा के जो कैंडिडेट आए थे उन्हें, तो अब जो है टूलकिट के लिए वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और जो न्यू कैंडिडेट का हम लोग अप्लाई करते हैं तो उनका हो जाता है। तो उनसे आज बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप लोग इसके लिए जो है टेंशन मत लीजिए, हमारे पोर्टल में इस तरह का प्रॉब्लम है कि जिनका सर्टिफिकेट से पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उनका अप्लाई हो जा रहा है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद अगर आप अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो वो ऑप्शन काम नहीं करता, ये हम लोगों के भी संज्ञान में है। तो हमारी टीम जो है उनको ठीक करने में लगी हुई है, जितनी जल्दी हो सके हम लोग इस ऑप्शन को जो है इनेबल करेंगे, ऐसा जो है शांतावना अभी दिया गया है स्टेट का टीम के द्वारा। मतलब उन लोगों को भी पता है कि ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है, ये केवल उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है जिन्होंने ट्रेनिंग ले लिया है और ट्रेनिंग लेने के बाद भी जो है उन्होंने टूलकिट के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो हमने उनको एक और ये बताया कि हम लोगों ने जो है ट्रेनिंग पीरियड में ही अप्लाई करने का प्रयास किया था सारे कैंडिडेट का, लेकिन उस समय आपका वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, जिस कारण से उन लोगों का ट्रेनिंग पीरियड में जो है अप्लाई नहीं हो पाया था टूलकिट के लिए। तो अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका अप्लाई हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जल्द ही ये इनेबल हो जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम केवल उन लोगों के साथ आ रहा है जिन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ले लिया है। ट्रेनिंग लेते समय अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया है टूलकिट का तो अप्लाई हो चुका होगा उनका, लेकिन जो जिन्होंने ट्रेनिंग पीरियड में अप्लाई नहीं किया उनके साथ ही केवल ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग इस पे जो है टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो जाता है, स्टेट का टीम के द्वारा अगर किसी तरह का सूचना हम लोग को प्राप्त होता है तो हम लोग जो है आपको वीडियो बनाकर इसी तरह से आप लोग को जो है सूचित कर देंगे कि ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है,
और आप लोग जो है दोबारा से अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है ऑप्शन फिर से काम करने लगेगा। तो फिलहाल मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि आज मैंने दो कैंडिडेट का जो अप्लाई किया है, एक पुराने कैंडिडेट का और एक न्यू कैंडिडेट का, तो दोनों में क्या ऑप्शन आया है वो मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ये भी आप लोग देख लीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो अभी जो ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये मैंने अपने न्यू कैंडिडेट का लॉगिन किया हुआ है, जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिया है हमारी संस्था से, लेकिन हम लोग उसे ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो अभी इसका 0 डेज भी नहीं हुआ है, 0 डेज होने के बाद इसका भी 5 दिन का ट्रेनिंग चलेगा। तो इनका जब मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि चूज़ फ्री टूलकिट जो है RS 15,000 का ई वाउचर, यहाँ पर अभी जो है तीनों ऑप्शन जो है ब्लू कलर से है, मतलब इसमें अगर हम अभी क्लिक करें तो ये अभी हमको अप्लाई करने का ऑप्शन दे देगा, अभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम अभी इसका अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जब 0 डेज होगा उस दिन हम इनका अप्लाई करेंगे टूलकिट के लिए। लेकिन अभी मैं आपको एक और कैंडिडेट का जिसको हमने ट्रेनिंग दे दिया है उनका अभी आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। तो अब ये जो है मैंने अपने दूसरे कैंडिडेट का लॉगिन किया हुआ है, जिसे जो है हमारी संस्था से जो है ट्रेनिंग उसे मिल चुका है। ट्रेनिंग मिलने के बाद उसका टूलकिट अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, टूलकिट OTP ही वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। सही OTP डालने के बाद भी उसे गलत OTP बता रहा था, तो जिस कारण से जो है इनका अप्लाई उस समय नहीं हो पाया था। तो अभी जब हम इनको खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ग्रे कलर से दिख रहा है, फ्री RS 15,000 का टूलकिट जो है अप्लाई करने का ऑप्शन जो है वो ग्रे हो चुका है, मतलब इसमें अभी अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है उन लोगों का है, वेबसाइट जिन्होंने बनाया है PM विश्वकर्मा का, क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग लिया है तो इससे ये टूलकिट मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, वेट कर लीजिए, जैसे ही कोई ऑप्शन आता है तो हम लोग जो है आप लोग को जरूर इसकी सूचना जरूर दे देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जैसे ही कोई न्यूज़ आए तो उसकी सूचना हम आप सभी तक पहुँचा सकें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए।